मोदी जो करता है 2000-5000 करके डाल के जो वोट लेता है, वो देखो आज का गैस का दाम देखो, तेल का दाम देखो, वो तेल में GST लगा रहा। किसकी सरकार आ रही है? ममता बनर्जी का सरकार आ जाएगा। मोदी जी कह रहे हैं हम आ रहे हैं 100%। मोदी जी का बात छोड़िए ना साहब, क्या मतलब जुमला सरकार है, वो हर टाइम सारा झूठा बात बोलता है, यही देगा वो देगा, क्या दिया इंडिया को, क्या कर दिया वो बंगाल को, इतना ये कर देगा। अब कह रहे कि जैसे इंडिया को तबाह किया बंगाल को भी तबाह। सुनिए सुनिए, ये अभी ममता बनर्जी का जीत हो गया क्योंकि एक लेडीज़ को हराने के लिए टोटल इंडिया से एक पूरा गवर्नमेंट आ गया बंगाल। हाँ, एक लेडी को हराने के, एक लेडीज़ को हराने के लिए इतना बड़ा अम्फन हुआ, 40 मिनट के लिए वो आया घूमने चला गया। अभी क्षमता के लिए, पावर के लिए हर रोज आता है, हर रोज बंगाल में आता है। अभी देता है एक टका किलो चीनी देगा, 5 टका किलो लवण देगा, सब मिथ्या कथा बोलते, मिथ्या कथा बोले एबार सब एबार त्रिपुरा करे देबे, सबको भेज दे रहा। सुनिए, ओजा मिथ्येवादी चोर चिड़िंगबाज, ও এখানে বলছে যে সিন্ডিকেট চলছে, মাফিয়া চলছে, ও কি করছে? ও দিল্লি, ও এয়ারপোর্ট বেচছে, রেল বেচছে, এই বেচছে, সেই বেচছে, ও তো নিজে চোর। ও আর অমিত স্যার সব থেকে বড় চোর, ও তো সব বেচে কাটবানি খাচ্ছে। ও আবার কাটবানি কি বলছে? তো বঙ্গাল কুই বেচ দেঙ্গে কা? হ্যাঁ, ও বঙ্গাল বেচেগাই একদম বেচ দেগা। আর বঙ্গাল ও হরিয়ানা নেই হ্যাঁ, ইউপি নেই হ্যাঁ, বিহার নেই হ্যাঁ, আবি উসকা ট্রিট হো জায়েগা। अब क्यों कह रहे हैं कि बंगाल हरियाणा यूपी नहीं है? बंगाल हरियाणा यूपी वो जुमलाबाजी करके EVM करके पावर में आ जाता है, इधर इतना सीधा सीधी नहीं होगा, यहाँ विकास पर चुनाव होगा एकदम। जय श्री राम के नाम, ना ना श्री राम विराम नाम, मुझे सिया राम बोलिए, ये ठाकुर के श्री राम के जे रास्ता ही नाम ही देते पड़े, ये दल से दल बुझे गए। जय श्री राम के नाम पर हम बाबरी, वो उन्होंने वो राम मंदिर बनवाया कश्मीर का, वो किया वो मंदिर मंदिर को खाक डा मानुष के सामने पाते मंदिर दी देगा, मस्जिद दी दे खेले में सब बच जाए। इधरा हिंदी में बोलिए इसको, हाँ ये बंगला हो गया, हिंदी में बोलिए। हिंदी में क्या बोलेगा? ये आदमी लोग को खाना चाहिए और मंदिर मस्जिद नहीं चाहिए। अच्छा, ये मतलब? हाँ, जिसका जिसका जा धर्म है उसका उसके मानने दो ना, जो हिंदू है हिंदू धर्म पालन करेगा, जो मामड़न है मामड़न का धर्म पालन करेगा, जो क्रिश्चियन है क्रिश्चियन का धर्म पालन करेगा। वो कौन कौन है जो बोल देगा जी इतना ये है ये है ये है? वो नड्डा फड्डा चड्डा के के चलबे ना दादा, नड्डा फड्डा चड्डा के चलबे ना, एखने सिखिए देव हम एकदम एकदम ढुकिए देव। ओके, इसका क्या मतलब हुआ? हाँ, मतलब बुझते बाद दोस्त 2 तारीख आस्ते बोलबे नदी के दुटो के। हाँ, बोले क्या कह रहे? बोले बोले, यहाँ का आदमी लोग रुपया में नहीं बिकाता है, रुपया में नहीं बिकता है। नहीं, जो मोदी जो करता है 2000-5000 करके डाल के जो वोट लेता है, बंगाल का आदमी एडुकेटेड ज़्यादा है, यहाँ का आदमी लोग को सोच समझ के वोट देता है। वो देखो आज का गैस का दाम देखो, तेल का दाम देखो, वो तेल में GST लगा रहा नहीं लगा रहा, छोड़ दीजिए, वो नहीं आएगा पावर में, हम लोग बोल रहे तो नहीं आएगा, नहीं आएगा, हम लोग बोल रहे हैं तो आप कुछ बोलेंगे? नहीं, हम क्या बोलेगा, वो तो मोदी तो देश बेच देगा, इस बेच देगा, क्या होगा, कुछ नहीं होगा। अब इधर पूर्व में खड़े हैं, बोले हम सुनार बंगला बनाएंगे। नहीं, नो सुनार बंगला, क्यों सुनार बंगला, बंगाली को जटता, बंगाली को नीचे में फेंक देता है, बंगाली को भीख चाहता है वोट में। हाँ, अमित शाह का कहाँ हुआ, उसका लड़का का कहाँ संपत्ति हुआ, कितने संपत्ति हुआ? हाँ, धर्म के बारे में पेट भरता है ना आदमी को, आदमी को शिक्षा चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए, ग्लास चाहिए, सभी चाहिए ना, खाना चाहिए, खाना चाहिए, छत चाहिए, छत चाहिए। बड़ी बात है कि यहाँ के लोग कह रहे हैं कि बंगाल के लोग पैसों पर वोट नहीं देते हैं, इन्हें खाना चाहिए, मंदिर मस्जिद नहीं चाहिए, छत पर घर में छत चाहिए, कोई ये नहीं चाहिए, मतलब मुद्दों पर हम लोग वोट करेंगे। बंगाल के जो लोग हैं, यहाँ की जो जनता है, वो यूपी बिहार की जनता की तरह नहीं है जो पैसे लेकर के वोट कर देती है। कुछ कह रहे हैं आपका, क्या करते हैं आप? आप बोलेंगे भाई, आइए, टैक्सी चलाते हैं? अच्छा, बिहार का आदमी है, टैक्सी स्टैंड है बड़ा छोपी ऊंचे, सब हाफ पैंट पूरे हो जाएगा।
बंद करो। तो बहरहाल ये जगह यहाँ के लोग कह रहे हैं कि हम मुद्दों पर वोट करते हैं, इस पैसा लेकर के वोट नहीं करते हैं। हमारी बंगाल यात्रा लगातार जारी है, इस वक्त हम आपको बता रहे थे, इस वक्त हम सोनारपुर से लोगों की राय ले रहे थे, बता रहे थे कि यहाँ के लोगों की क्या राय है। सोनारपुर जो एक विधानसभा हलका है, ये 24 परगना में पड़ता है, यहाँ मुस्लिम आबादी भी अच्छी खासी है, हिंदू आबादी भी है, और यहाँ के लोगों का कहना है कि यहाँ इत्तेहाद यकजहती शुरू से रही है। कुछ और इलाकों में हम जाएंगे, कोलकाता शहर से दूर बंगाल के दूसरे इलाकों में, और दिखाएंगे कि वहाँ के लोगों की क्या सोच है, किन मुद्दों पर वो वोट करेंगे। मिलत टाइम्स को आपकी ज़रूरत है, हमारी आप माली मदद करें, हर महीने सिर्फ 100 रुपये और एक साल के लिए एक साथ सिर्फ 1000 रुपये। रकम भेजने के लिए यहाँ दिए गए फ़ोन पे, गूगल पे और पेटीएम नंबर का इस्तेमाल कर सकते हैं।